मतलब अगर तीन टर्म एपी में है तो इन दोनों को जोड़ लो तो बीच वाले का डबल बनेगा, या फिर ऐसे कह लो कि b इक्वल टू ए प्लस सी बाई टू, किसी ने पढ़ाया हो बता देना क्लास टेंथ में है। इसे कहते हैं अरिथमेटिक मीन, यार पहले और तीसरे टर्म का इन एन एपी द मीन ऑफ द फर्स्ट एंड द थर्ड टर्म इज इक्वल टू द सेकंड टर्म। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास टेंथ, आई वेलकम यू इन दिस लेक्चर इन विच वी आर गोइंग टू डिस्कस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। जैसे कि लेक्चर वन में मैंने आपको पढ़ाया था कि एपी का मतलब क्या है, एनथ टर्म का फॉर्मूला कहाँ से आया, कॉमन डिस्टेंस किस चीज को बोलते हैं, तो पूरा मैंने आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन विद प्रूफ एंड ऑल प्रोवाइड कर चुका हूँ। अगर अभी भी आपने वो लेक्चर नहीं देखा है और आप चाहते हैं कि आपकी डीप अंडरस्टैंडिंग बन जाए एपी के अंदर, कैसे एपी के फंडे होते हैं, बहुत फुद्दू सी चीज है यार, मैंने बोला था क्या फॉर्मूला है ही नहीं, वो लॉजिक है एक, तो पहला लेक्चर देख लीजिए। ये हैशटैग 2 है जिसमें मैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.2 सॉल्व कराने जा रहा हूं। एक पहला डाउट क्लियर कर दूं, 5.1 क्यों नहीं यार, 5.1 में सारे क्वेश्चन वो है कि ये एपी है ये एपी नहीं है, ये एपी है ये एपी नहीं है, कॉमन डिस्टेंस निकालते रहो, कॉमन आए तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो नहीं है, अपने आप कर लीजिए, टाइम टोटल वेस्ट ऑफ टाइम है मेरे हिसाब से। इतना छोटा लेवल नहीं होना चाहिए किसी क्लास 10 के बच्चे को जो वो एपी का पता लगा रहा है यार ये एपी है कि नहीं है, है ना, तो नमक खा के करोगे तो पता नहीं चल पाएगा, नमक समझते हो ना, चरस गोंजो तो नमक खा के मत करिए कोई भी काम, ठीक है, कोल्ड वर्ड में कहते हैं नमक, समझ रहे हो, वाइट कलर की जो हीरोइन होती है ना, ड्रग्स, जस्ट किडिंग, सीरियसली ले जाना, अरे सर ये तो क्या बातें करने लगे। एनीवेज काम की बात पे आते हैं, तो दूसरी बात एक डाउट और क्लियर कर दूं, ये सिर्फ सॉल्यूशन नहीं है, आप तो यार कहीं से पीडीएफ उठाओगे सॉल्यूशन देख लोगे फिर यहाँ पे अपना टाइम वेस्ट क्यों करोगे, भैया मेरा लेक्चर क्यों देखोगे, है भाई क्यों देखोगे, अब वो बात अलग है, मैं पर्सनली किसी को अच्छा लगता हूँ, भाई फरमान सर मेरे फेवरेट हैं तो मैं उनका लेक्चर देखता हूँ, कोई बच्चा मेरे कोचिंग के या जो मुझे पर्सनली जानते हैं तो बाकी चलिए वो तो देख लेंगे, बाकी बच्चे क्यों देखेंगे, तो ये सिर्फ सॉल्यूशन नहीं है, यहाँ पे मैं आपको पूरी अंडरस्टैंडिंग बनाऊंगा, सारी शॉर्ट ट्रिक्स मैं आपको पढ़ाऊंगा, बहुत बहुत छोटे छोटी ऑब्जर्वेशन जो मैंने खुद ऑब्जर्व किए, खुद के फॉर्मूले बनाए हैं वो मैं यहाँ पर आपको सिखाऊंगा। पीडीएफ में से आवाज नहीं आएगी, मेरी आवाज आपको सुनाई देगी, पीडीएफ का चेहरा नहीं होगा, मेरा चेहरा है मतलब कहने का ये है पूरी अंडरस्टैंडिंग के साथ कैसा सवाल आएगा, कैसे सोचेंगे, कैसे करेंगे, वो ये सिर्फ सॉल्यूशन नहीं है, मतलब ये एक अंडरस्टैंडिंग मैं आपकी डेवलप करूंगा कैसे सवालों पर कैसे सोचना है, बस ये डिफरेंस है। टाइम बिना वेस्ट किए जल्दी से चालू करेंगे, भाई पहला सवाल जो आपको दिखाई दे रहा होगा ना, पहला सवाल एक्सरसाइज 5.2 में वो एक टेबल दे रखी है, तो टेबल तो अभी तक ऐसी कमी आई है सीबीएसई में, हो सकता है आगे कभी पूछ ले, पर टेबल तो कमी आई है और मेरे साथ आपको ये फायदा और हो जाएगा, कौन सा सवाल इंपॉर्टेंट है, कौन सा सवाल सीबीएसई में कब आया है कब नहीं आया, वो सारी बातें आपको प्लस और पता चलती रहेंगी, तो बढ़िया बात है, और क्या चाहिए यार। तो अंडरस्टैंडिंग साथ अब ये कैसा सवाल आ सकता है कि फाइंड द एट्थ टर्म ऑफ द एपी हुज कॉमन डिफरेंस इज 3 एंड फर्स्ट टर्म इज 7, मतलब ए एन, ए एन का मतलब क्या हुआ, एन की वैल्यू 8 है, एन मतलब नंबर ऑफ टर्म, कौन सा वो टर्म है, और ए एन मतलब वैल्यू ऑफ टर्म, तो मुझे सब की मैंने यार हमने तो फुद्दू सा फॉर्मूला आपको पढ़ाया था ना, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो ऑब्वियस सी बात है यार कौन सा टर्म निकालना है, 8वां टर्म निकालना है तो ए 8 लिख दो। अब मैंने आपको यार पूरा गेम सिखाया था, ए 8 मैं नहीं लिखता, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, तुम्हारे पास टाइम है तो तुम करो, ए प्लस 7d हो जाएगा, 8 में से एक जाएगा 7 बचेगा, क्लियर है, सिंपल सा फंडा है ना। हाँ सर ये समझ में आ चुका है, इतना आप मेहनत मत करिए, इतना हम कर लेंगे यार, यही उम्मीद है तुम लोगों से, कोई दिक्कत नहीं है, बस मैं अपने लेवल से चाह रहा हूँ कोई दिक्कत ना रह जाए बस। 7 और d की वैल्यू कितनी है बेटा, 3, तो 7 3 है 21, इस्तेफाक की बात यह है कि इसका फर्स्ट टर्म भी 7 है, तो 21 और 7 28 हो जाएगा, तो ये बताइए क्या करेंगे, अभी ऐसे सवाल करने आए आप यहाँ पर, तो इसमें मैं कि मेरे हिसाब से तो अब इसमें कॉमन डिफरेंस पूछ रहा है, कह रहा है 10वां टर्म जो है वो 0 है, ए की वैल्यू -18 है, तो भैया कॉमन डिफरेंस बता दो, ऐसे करके आ सकता है ना सवाल, मतलब ऐसे टेबल नहीं आएगी कि फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द ए पी हुज फर्स्ट टर्म इज -18 एंड 10 टर्म इज 0, वर्ड में आ सकता है ये, के पीडीएफ में से आवाज आएगी आपको, तो ये सॉल्यूशन नहीं है यार, बस कि समझो एनसीईआरटी का सॉल्यूशन करा रहा टीचर हमारा, ना ना ना, कॉन्सेप्ट लर्निंग अंडरस्टैंडिंग डेवलपमेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है चलो। तो देखो भाई दूसरा वाला है, ये वाला तुम खुद करोगे, ऐसा करके क्वेश्चन आ सकता है कि फाइंड द
हाँ विच टर्म ऑफ द एपी, ऐसा करके सवाल आ सकता है कि एन एपी हूज फर्स्ट टर्म इज माइनस का 18.9, कॉमन डिफरेंस इज 2.5, विच टर्म ऑफ दिस एपी विल बी 3.6, इस एपी का कौन सा टर्म 3.6 होगा, मतलब एन, एन पूछ रहा है ना, एन मतलब कौन सा टर्म, कितने वहां टर्म, और एन मतलब उस टर्म की वैल्यू, तो वैल्यू दे रखी है तो कह रहा है 3.6 कौन से टर्म की वैल्यू होगी, ऐसे सवाल होते हैं। तो पहले दूसरा वाला देख लें अपन, चलो दूसरा वाला देख लेते हैं। तो an बराबर a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, बिल्कुल बेकार सा फॉर्मूला है, कर चुके हैं हम विद प्रूफ के साथ। तो an की वैल्यू अपने पास है भैया है जीरो है, a की वैल्यू माइनस 18 है, n की वैल्यू 10, 10 में से एक जाएगा 9, और d माइनस 18 इधर आ जाएगा, 9 डिवाइड में आ जाएगा, d बचेगा। यार बताइए कैसे सवाल करवा रहे हो ये मुझसे, d की वैल्यू 2 हो गई। बाकी के दोनों जो क्वेश्चन दिख रहे हैं ना आपको, ये दोनों क्वेश्चन ये आप होमवर्क में बना रहे हो, फुद्दू से सवाल है, तुम्हें क्या लग रहा है यहाँ पे, मतलब बिल्कुल मलाई चम्मच से खिला रहे हैं फरमान सर, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, काम आपको भी करना पड़ेगा क्योंकि मैं यहाँ पे सिखा रहा हूँ। मैंने क्या कहा था, सॉल्यूशन नहीं है ये, तो मैंने पीडीएफ निकाल लिया है फिलहाल तो बुक का, आप बुक, ये कोई समझदार बच्चे हो कोई बताने वाली बात तो नहीं है। अच्छा तो इसमें सवाल थे 5, मैंने लिखे थे 4 शायद, तो आई होप नहीं कि आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि यू विल सॉल्व ऑल दी क्वेश्चंस बिना अटके। तो क्वेश्चन नंबर 2 वाला जो है, चूज द करेक्ट चॉइस, अब चॉइस वाले तो सवाल आ नहीं रहे सेकंड टर्म में, कोई दिक्कत नहीं है, हमें तो क्वेश्चन करना है। कह रहे 38 टर्म ऑफ द एपी, 38th टर्म ऑफ द एपी, एपी क्या दे रखी है भाई साहब, एपी दे रखी है 10, 7, 4 इज, इस एपी का 30वां टर्म है, चार ऑप्शन होंगे, कोई जरूरी ऑप्शन में आए, वैसे ही पूछ ले 38 टर्म ऑफ द एपी, तो हम जानते हैं, हम तो डायरेक्ट लिखेंगे भैया इतना टाइम है नहीं अपने पास, ए 30 बराबर ए प्लस 29 डी, ए प्लस एन माइनस वन डी लगाओगे वही तो आएगा यार, नमक खाँगने वाली बातें मत करो बिल्कुल भी, ए की वैल्यू 10, 29 की वैल्यू तो 29 ही है, डी की वैल्यू बता दो ऐसे ही, 7 - 10 करेंगे सर माइनस 3 आ जाएगा, डिक्रीजिंग एपी है ना सर ये, हाँ सही है भैया सही है बिल्कुल आता है तुम्हें, तो 10 माइनस प्लस माइनस 3 - 9 = 27 का 7 कैरी 2, ये टेबलेबल नहीं आते हमें, 3 - 2 = 6 और 2 = 8, तो 10 में से माइनस का 87 जब करोगे तो माइनस का आई थिंक 77 हो जाएगा, इस एपी का 38 टर्म जो होगा वो ये होगा, तो मेजर हिसाब से तो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा जो क्वेश्चन है उसमें 11 टर्म पूछ रहा है, खुद बनाओ आंसर निकालो और टिक मारो, हलवा नहीं खिला रहा हूँ मैं चम्मच से, चम्मच से हलवा खिलाऊँ त्रिशूल से दूंगा निकाल के हलवा त्रिशूल से सीधे मुंह में, अरे सर ठीक है। तो 3 वाला क्वेश्चन भी आपको दिखाई दे रहा होगा, डब्बे से बने हुए इसमें कुछ, इसमें कुछ डब्बे से बने हुए, आगे सवाल मजे के आएंगे आगे, और आगे कुछ बहुत सारी चीज़ें जो आपको सिखानी है। तो क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं बच्चों डायरेक्ट, अब इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म्स इन द बॉक्सेस, अब तुम्हें क्या लग रहा है ऐसा सवाल भी आ सकता है, लेकिन अभी तक नहीं पूछा है सीबीएसई ने, अब फरमान सर तुम्हें क्या सिखाने वाले हैं वो सुनना जरा बिंदास, बिंदास सुनना इस सवाल से पहले, देखो पहले तो डब्बे नहीं आएंगे बने हुए, सीधा आएगा फाइंड द सेकंड टर्म ऑफ द एपी हूज फर्स्ट टर्म इज 2 एंड थर्ड टर्म इज 26, वर्ड में ये नहीं बताता कोई आपको, ये बात पता चली। दूसरा मुझे एक बात बता दो, मैं एपी की कंडीशन पढ़ाने वाला हूं, ये अलग से नहीं मिलेगी, 11th के बच्चों को पढ़ाता हूं ये मैं, कक्षा 11वीं के बच्चों को पढ़ाता हूँ मैं, एपी चैप्टर जो है, एपी के नाम से नहीं है, सीक्वेंस एंड सीरीज, वहाँ पे एपी जीपी और एचपी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो 11th क्लास में पढ़ाई जाती हैं बच्चों को। तो कंडीशन ऑफ एपी सुन लो जरा मजे की बात, देखो तीन टर्म के लिए अप्लाई करवा रहा हूँ ये मैं, इफ ए बी सी आर इन ए पी तो हम जानते हैं यार कॉमन डिफरेंस तो सेम होगा, यानी कि बी से ए को माइनस कराओ आएगा उतना ही जितना सी से बी को माइनस कराने पे आएगा, भाई सी से बी को माइनस कराओगे डी की वैल्यू आएगी, बी से ए को माइनस कराओगे डी की वैल्यू आएगी, थोड़ा सा रीअरेंज मार लो बस, थोड़ा सा रीअरेंज मार लो तो बी इधर आएगा 2b हो जाएगा, अरे बी प्लस बी, और ए उधर जाएगा तो ए प्लस सी हो जाएगा, दिस इज कॉल्ड कंडीशन ऑफ एपी। मतलब अगर तीन टर्म एपी में है तो इन दोनों को जोड़ लो तो बीच वाले का डबल बनेगा, या फिर ऐसे कह लो बी इक्वल टू ए प्लस सी बाई 2, किसी ने पढ़ाया हो बता देना क्लास 10th में है, इसे कहते हैं अरिथमेटिक मीन, यार पहले और तीसरे टर्म का इन एन एपी द मीन ऑफ द फर्स्ट एंड द थर्ड टर्म इज इक्विवेलेंट टू द सेकंड टर्म,
पहले और तीसरे का अगर हम एवरेज निकाल लें, मीन यार सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सॉल्यूशन नहीं है भाई ये, एनसीईआरटी का सॉल्यूशन नहीं है ये, देख लो कहां पहुंच रही है कहानी, लेवल कहां जा रहा है। तो पहले और तीसरे का एवरेज अगर निकाला जाए तो बीच वाला टर्म आ जाएगा एपी में, पहला तीसरा इन दोनों का एवरेज निकाल लो ये आ जाएगा। कुछ बच्चे क्या करेंगे, मतलब सर ये ए हो गया, सर ये ए टू हो गया, इसको ए प्लस डी लिख लेते हैं, फिर सर दोनों इक्वेशन को सॉल्व करा के डी निकालेंगे सर, सॉरी ये तीसरा टर्म है ना, ए प्लस टू डी लिख लेते हैं सर इसको, सर ए प्लस टू डी की वैल्यू 26 है क्योंकि ये तीसरा टर्म था, और सर ए की वैल्यू 2 है, इसको यहां पुट करा के डी निकालेंगे, और फिर डी को निकालने के बाद, डी को निकालने के बाद सर फिर हम सेकेंड टर्म निकालेंगे। वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया, कमाल कर दिया पांडे जी। हाँ ऐसा ही यार, टेंथ में ऐसे ही तो पढ़ाया जा रहा है, ये कौन पढ़ा रहा है, इसको पहले नोट कर लो यार, स्क्रीनशॉट मारो धड़ से मेरे फोटो के साथ। ठीक है, तो कंडीशन ऑफ एपी क्या है, अगर तीन टर्म कभी भी एपी में आएंगे, या कोई से भी एपी के कोई से भी तीन कॉन्सिक्यूटिव टर्म ले लेना, और सुनो यार और सुनो, एपी के कोई भी तीन कॉन्सिक्यूटिव टर्म ले लेना, पहले और तीसरे का जब भी एवरेज निकालोगे बीच वाला टर्म आएगा, गारंटी है इस बात की। हटा, बात खत्म करूं, समझे, ये था गेम। सीधा लिखूंगा मैं कंडीशन ऑफ एपी, कंडीशन ऑफ एपी बी या ए थ्री, ए सेकंड लिख दो, ए सेकंड बराबर होता है ए वन प्लस ए थ्री डिवाइडेड बाई टू। टाइम इच नहीं है यार, मेरे पास टाइम इच नहीं है, मैं इतना टाइम वेस्ट करूं, 2 प्लस 26 डिवाइड बाई 2, 28 बाई 2 इक्वल टू 14, दैट्स ऑल। मैथ को पढ़ा नहीं है यार, फील किया हुआ है, मजा आया कि नहीं आया ये बताइए। अब नॉर्मल बच्चा, साधारण व्यक्ति कैसे कर रहा है, जो नमक खा के पढ़ाई करता है वो कैसे करता है सवाल। गिविन ए इक्वल टू 2, गिविन ए थ्री इक्वल टू 26, ए थ्री को अपन लिखेंगे ए प्लस 2d बराबर 26, ए की वैल्यू अपन डलवाएंगे यहाँ पर 2 प्लस 2d बराबर 26। अरे बाप रे भाई साहब, बेला बैठा हुआ ये बच्चा, बिल्कुल टाइम ही टाइम है इसके पास, दो उधर जाएगा माइनस में 24 बचेगा, और यहां से डी की वैल्यू 12 निकालेंगे हम। कौन सा टर्म पूछ रहा था, डब्बे वाला, सर डब्बे वाला a2 को लिखेंगे सर a प्लस डी, सर a की वैल्यू 2 और d की वैल्यू 12, सर आंसर आया 14। अरे दादा इतना तो फरमान सर ने नींद में बता दिया था। अरे यही तो गेम है यार, अब तुम देख लो यार कहां जाना है, पढ़ना कहाँ है ये देख लो तुम, इस पे पढ़ना है कि इस पे पढ़ना है, किस लेवल पे पढ़ना है। मैंने क्या कहा था, मैं सॉल्यूशन थोड़ी करा रहा हूँ यार, मैं तो सिखा रहा हूँ। कंडीशन ऑफ एपी याद रखना, बाकी जो तीन टर्म आते हैं एपी में, अभी समझाऊंगा नहीं, बाद में बताऊंगा, तीन टर्म एपी में आते हैं, वर्ड प्रॉब्लम आता है कि ये उनका सम ये है, प्रोडक्ट ये है, बिंदास चीज बताऊंगा बाद में। ठीक हो गई बात। दूसरा, डब्बा 13th अगेन डब्बा, उसके बाद 3। यार मुझे खुद बता दो यार, कसम खा के बता दो, ये A1 ये A2 ये A3 ये A4, मैंने क्या बोला था अभी, मैंने जो लॉजिक बताया है ना, आंखें फटी रह गई बच्चों की। पता है कैसे करते थे सवाल, तुम देख तो लो यार, सिर्फ इतना देख लो, तुम सल्यूट मार के जाओगे, सल्यूट मार के जाओगे। A2 को A प्लस डी लिखते थे और इसको लिखते थे 13, लीनियर इक्वेशन से सिखाया था टीचर ने, लीनियर इक्वेशन से। जो पढ़ के आते हैं भाई उल्टी करते हैं क्लास में, टीचर जो पढ़ा पढ़ाया है उसी को उल्टी कर देते हैं क्लास में, कुछ नया नहीं सिखा रहे। मैं नहीं कह रहा हूँ कि मैं बेस्ट टीचर हूँ, ना 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 मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं खुद सीख रहा हूँ यार अभी मैथमेटिक्स, बहुत कुछ अभी बाकी है। बोले बेटा इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करा जाएगा, अब इसमें से इसको, यार तुम्हें भी यही सिखाया गया ना, दो इक्वेशन बनाना, ये दूसरे टर्म में ए प्लस डी लिखना, और ये एक्चुअल में एक मेथड भी है जो बच्चों को सिखाया जा रहा है। हाँ अगर पहला टर्म कॉन्सिक्यूटिव टर्म नहीं होता, ये पहले मान लो ऐसे दे दिया 13 टर्म कि किसी एपी का 13वां टर्म ये है और 50वां टर्म ये है, एपी बनाओ, तब तो ठीक है, चलो समझ में आती है, इक्वेशन बनाई सॉल्व किया, ए और डी की वैल्यू निकाली, कर लिया, आ रही ना बात समझ में। मगर अगर तीन कॉन्सिक्यूटिव टर्म आ रहे हैं, ये देख लो तीन कॉन्सिक्यूटिव टर्म है, अभी मैंने आपको सिखाया था, तो ये भी तो एपी में ही होंगे, 1 2 3 एपी में है। मैं नहीं करने वाला यार ऐसे, मैं नहीं करूंगा ऐसे, जाओ कुछ भी करो, मैं नहीं करने वाला ऐसे। सीधा कंडीशन ऑफ एपी, टीचर भी एक बार कॉपी खोल के देखेगा यार, क्या ये तो मुझे सिखा के जा रहा है बच्चा, लाओ मैं भी सीख ले रहा हूँ ये बात को। कंडीशन ऑफ एपी, क्लास टेंथ में देखो कौन यूज कर रहा है इसको, देखो यार अपने बच्चों को देखो, पढ़े बिल्कुल बिंदास देखो। अब टीचर देख रहा है क्या लगा, क्या दिया इसने, क्या कहता, मैंने बीच वाला जो टर्म होता है वो पहले और तीसरे का
तो ये तीसरा बीच वाला हो गया, तो पहला तीसरा कौन सा हो गया, दूसरा, चौथा डिवाइड बाई टू। बिंदास बनेगा यार, कहीं दिक्कत नहीं आएगी। 13 + 3 / 2 कितना आ रहा है, 8 आ रहा है, गारंटी इस बात की 8 होगा ये। अब यहां से कॉमन डिफरेंस मिल गया तुम्हें, क्या मिला, d की वैल्यू निकाल लो यहां से, d बराबर कुछ भी लिख लो, a3 - a2 8 - 13 - 5। तो माइनस 5 करना जरा इसमें से, 13 में से माइनस 5 और कर लो, कितना आ रहा है, अच्छा हाँ माइनस 5 है तो प्लस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो 13 में 5 और जोड़ लो जरा, कितना हो जाएगा, 18 - 5 = 13 - 5 = 8 - 5 = 3। तो पहला टर्म वैसे ही आ गया, समझे कि नहीं समझे। अब वैसे आपको जैसे कराया गया वैसे एक बार और देख लीजिएगा, कितना लेंथी मेथड है वो यार, बताओ ऐसे करोगे क्या है बच्चों। हो गया डन, खत्म, ये था गेम। इसलिए मैं कह रहा था ये सिर्फ सॉल्यूशन नहीं है, वीडियो वीडियो देखना पड़ती है कि बीच में चल भी रही है कि नहीं चल रही है। चल रही है, चल रही है बिंदास, चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये दो डब्बू वाले मैंने सवाल आपको करा दिए, हाँ अब ये वाला और करा देते हैं। तीसरा सवाल है जिसमें 3 कॉन्सिक्यूटिव टर्म नहीं मिल रहे हैं, सर उसमें क्या करेंगे, सर सर उसमें तो नमक खाना पड़ेगा हमें क्या, नहीं नहीं हो जाएगा यार, हो जाएगा। इस सवाल को देखो कैसे करते हैं, 9 होल नंबर 1/2, बाकी के तुम बनाओगे होमवर्क में है। तो इसका पहला टर्म मुझे गिवन है, 5 कह दूं, और पहला दूसरा तीसरा चौथा, चौथे को अपन क्या लिखते हैं, a + 3d, और इसकी वैल्यू बेटा 9 होल नंबर 1/2 उन्होंने 18 19/2 दे रखी है, तो इसको माइनस कर लेना बेटा, या एक ही वैल्यू यहां पुट करा दो, कुछ भी कह दो पुट करा दो। तो ए की वैल्यू हो गई 5, 5 उधर जाएगा माइनस में, 3d की वैल्यू 19/2 - 5 ऐसे लिख ले, तो 5 × 2 = 10, 9/2, 3 × 3 = 9, तो d की वैल्यू 3/2 आ गई। अब क्या नहीं आ जाएगा, इसमें d प्लस कर लो ये आ जाएगा, इसमें d प्लस कर लो ये आ जाएगा, तो वो तो फंडा आपको पता है, d प्लस करते जाओ तो अगले टर्म मिलते चले जाएंगे, सही है बेटा। अच्छा हाँ सर यार समझ में तो आ रहा है, हाँ सर्वर मत कहो यार बस, ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं है, मैं खुद स्टूडेंट हूँ अभी सीख रहा हूँ बस, जो तब थोड़ा बहुत सीख लेता हूँ वही आपको पढ़ा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो बाकी फोर्थ क्वेश्चन और फिफ्थ क्वेश्चन, उम्मीद है, उम्मीद नहीं है, पूरा कॉन्फिडेंस है, उड़ा दोगे तुम लोग, AP उड़ाओगे तुम अब लोग। तो NCERT के साथ साथ काम की बात बता दूं, जब ये कर लेंगे ना तो उसके साथ एक्स्ट्रा क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, टेम्पल पेपर वगैरह जो भी, और जो मुश्किल क्वेश्चन उसके लिए अलग से वीडियो बनेगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, और नेगेटिव टर्म कैसे निकालते हैं AP का वो सारी बातें, और एंड टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द AP वो सब कैसे निकालते हैं, धड़ाधड़ एक एक बात समझाई जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4th है, अब आया देखो मैंने क्या कहा था, विच टर्म ऑफ द AP, विच टर्म ऑफ द AP, सही है सवाल, देख लो अब ये सवाल का टाइप देखो ना फैमिली, इस टाइप का कोई भी सवाल आ जाए तो उड़ा देना, 3, 8, 13, 18 - हालांकि ओरली कर लेते आपको मालूम 5, 5, 5, 5 प्लस हो रहे हैं। अब देखिए गेम क्या है, कह रहे हैं इस AP का कौन सा टर्म 78 होगा, यानी कि कौन सा नंबर कितना होगा, उसकी वैल्यू तो 78 दे रखी है, तो हम इस तरीके से लिखेंगे, पहले तो बच्चों को ये नहीं पता कि पूछा क्या जा रहा है। तो बेटा A3 हो गया, DA2 - 7 डायरेक्ट लिख लो, 5 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, नंबर कट जाएंगे क्या सर, अरे नहीं कटेंगे, दिखा दो यार फिर, और ये मैंने बता दिया था कोई जरूर नहीं है A2 - A1 ही ले, इसमें से इसको माइनस कर दो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, तो 8 में से 3 गए, 5 बचे हैं। AN की वैल्यू, यानी कि जो नंबर की वैल्यू है, टर्म की वैल्यू है वो 78 है, तो N क्या है, मतलब कौन से नंबर का टर्म 78 है, 78। कुछ बच्चों को ये भी प्रॉब्लम है भैया इंग्लिश मीडियम, हम भी इंग्लिश मीडियम है, CBSE बोर्ड से पढ़ा था, लेकिन 71, 72, 42, 43, 45, 45, 44 सब पता है हमें, पढ़ना नहीं चाहते ना आजकल के बच्चे, हिंदी छी छी बहुत बुरी लैंग्वेज, ऐसा नहीं है, मज़ा ही अलग है हिंदी पढ़ने का, है ऐसे ही थोड़ी राष्ट्रभाषा हमारी। चलिए सुनिए बात को, AN = A+N - 1 × d, जानते हैं AN की वैल्यू 78, मतलब कभी कभी आपको नंबर जब निकालना हो टर्म का उसकी वैल्यू दे रखी होगी, तो आराम से कर लीजिए कोई दिक्कत नहीं। A की वैल्यू 3, N - 1 और d की वैल्यू 5 आ रही है, 3 इधर माइनस में लाओगे 78 में से पहले इधर 3 जाएगा, बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग पूरा काम करेंगे, कुछ 5 डिवाइड में भेज दो पहले, तो 78 से 3 जाएगा 75 बचेगा, 75 को 5 से डिवाइड मारो, N - 1, 5 = 5,
5525 माइनस वन इधर प्लस में आ गया, हम तो डायरेक्ट मारते हैं, एन की वैल्यू 16 आ गई, बात खत्म। यानी कि इस एपी का 16th वाला टर्म 78 है। ऐसे करके सुनो बात को, तो ये है लॉजिक, इस तरीके से पढ़ते हैं एपी, हुआ बना पढ़े एपी 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 एपी। यार मुश्किल थोड़ी है, आसान टॉपिक है, आसान, ठीक है, ओके। अब कह रहे हैं विच ऑफ द फाइंड द नंबर ऑफ द टर्म्स इन द फॉलोइंग एपीज, क्वेश्चन नंबर 5th है, नंबर ऑफ टर्म कितने होंगे, एन टर्म दे रखा होगा, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन द फॉलोइंग एपीज, 7, 13, 19, 205। तो मुझे एक बात बताओ, अगर ये आखिरी टर्म है, अगर मान लो ये 101वें नंबर पे आ रहा है, ये वाला टर्म 101वें नंबर पे आ रहा है, तो 101 टर्म ही तो होंगे क्योंकि आखिरी टर्म है, तो इसलिए लास्ट टर्म को एनवा टर्म मान लो कि भैया ये एनवा टर्म है, इसका नंबर निकाल लिया तो उतने ही टर्म होंगे। सीधी बात बताओ यार, पहला दूसरा तीसरा आखिरी, आखिरी का नंबर कौन सा नहीं पता, एनवा नंबर मान लो, तो ए की वैल्यू 7, बी की वैल्यू 13 - 7 6 हो जाएगा, ए एन की वैल्यू 205 माननी पड़ रही है, बोला नहीं उसने, जिस नंबर पे ये टर्म आएगा वही उतने टर्म हो जाएंगे, अभी तो करा था सवाल, तो ए एन का फॉर्मूला लगा लो, ए एन इक्वल टू ए, ए की वैल्यू 7 प्लस एन माइनस वन इंटू डी, डी की वैल्यू 6, पहले 7 इधर माइनस में लाओगे तो 198 बचेगा, 6 डिवाइड में आ जाएगा एन माइनस वन, 6 से डिवाइड मान लो, 6 3 18 और फिर 1 बचा, 6 3 18 30 और ये 33 माइनस का प्लस 1 आया, बराबर एन बराबर 34। मतलब इस एपी में 34 टर्म है कुल मिला के, 34 टर्म। इस तरीके से सवाल को उड़ा लेना है आपको, इसी का दूसरा पार्ट है वो आप होमवर्क में बना लीजिए। अब अगले टाइप का क्वेश्चन ये आएगा, एक टर्म आपको दिया होगा, आप वो पूछेगा आपसे क्या ये इस एपी का है कि नहीं है, बोले अरे सर ये कैसे पता लगाएंगे कोई टर्म किसी एपी का है कि नहीं है, किसी एपी का कोई टर्म पता लगाना है तो कैसे पता लगाएंगे, बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, चेक वेदर, सवाल लिखते हैं, -150 इज अ टर्म ऑफ द एपी, क्या है भैया एपी 11, 8, 5, 2... जैसे हम एपी में जाते जाएं तो आगे दिख रहा है डिक्रीजिंग एपी जा रही है, माइनस में भी आएगा नंबर, तो क्या -50 इस सीरीज में आता होगा, तो कोई जरूरी है कि ये एपी -150 को टच करके जाए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, क्या पता -150 छूट जाए, पता कैसे चलेगा, अगर सपोज कर लो, मान के चलते हम लेट -150 इज अ टर्म ऑफ दिस एपी, तो ये किसी न किसी नंबर पे तो आएगा, 5, 6, 7, 8 आपने एन की वैल्यू निकाली और एन की वैल्यू अगर आई पॉजिटिव इंटीजर, ये 10th क्लास के बच्चे ना, छोटे छोटे बच्चे होते हैं प्यारे प्यारे, तो थोड़ी सी जब उनसे रियल बात करो ना, दैट इज कॉल्ड रियल मैथमेटिक्स, तो दिक्कत आने लगती है, उन्हें फॉर्मूले ही समझ में आते हैं बस, ऐसी बात नहीं है। एन की वैल्यू अगर पॉजिटिव, सपोज कर लो एन की वैल्यू आई -1, -3, तो क्या -3 वाला टर्म होता है क्या एपी में, नहीं, मान लो एन की वैल्यू आई 37.5 यानी कि 37.5, मतलब 37.5 वाला टर्म हो सकता है, टर्म तो पहला होगा, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवां सातवां आठवां नवां ग्यारहवां दसवां 12th, 14th, 15th, 58th, 52th, 53rd, मतलब टर्म हमेशा पॉजिटिव इंटीजर ही तो होगा, यानी कि अगर n की वैल्यू, आपने इसको एनवा टर्म मान रहे हैं, और अगर n की वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर आ रही है तो ये इस एपी का टर्म है, अदरवाइज ये इस एपी का टर्म नहीं होगा किसी भी तरीके से। तो लेट ए एन बराबर -150 मान लो, फॉर्मूला लगाओ, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, एन की वैल्यू माइनस का 150 बराबर ए की वैल्यू 11, करते कैसे वो हम बताएंगे यार, फरमान सर बताएंगे आपको, तो 11 में से 8 गए, 3 बच रहे हैं, काय के माइनस के, 8 में से 11 जाएंगे, माइनस के 3 बचेंगे तो माइनस के 3 हो गए, 11 माइनस में लोगे 150 माइनस 11, तो सीधे सीधे लिख दें माइनस का 161 और डिवाइडेड बाई माइनस का 3 इक्वल टू एन माइनस वन। अब पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं, माइनस से माइनस काटोगे, ये 3 से कट ही नहीं हो रहा, 3 5 15 1 बचेगा 11 जा, यानी कि सीधा सीधा लिखोगे एन इज नॉट अ पॉजिटिव इंटीजर, हम तो इतना लिखते हैं बस, एन कोई पॉजिटिव इंटीजर नहीं आ रहा, देयरफॉर माइनस 150
विल नॉट बी अ टर्म ऑफ दिस एपी। इतना लिखना है आपको कि भैया ये जो है पॉजिटिव होल नंबर या पॉजिटिव होल नंबर तो पॉजिटिव ही होते हैं जीरो को छोड़ के, है नमक खा के आए हो क्या, अपने आप को कह रहा हूं। तो जब n की वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर नहीं आएगी तो ये इसका टर्म नहीं होगा। इस बात को बच्चों बहुत प्यार मोहब्बत एहतराम के साथ याद रखना, कोई दिक्कत नहीं है। एहतराम समझते हो, इज्जत के साथ। अभी उर्दू का वर्ड है, प्यारी लैंग्वेज है, मीठी मीठी। तो ये था छठवां सवाल। 17 सवाल, हाँ ये बढ़िया सवाल है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। 17 नहीं, 7 सवाल, इसको इंपॉर्टेंट कहते हैं हम। दो डाटा लिख दूंगा। फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी। 31st टर्म पूछ रहा है मुझसे A31, इस एपी का क्या होगा। हुज 11th टर्म, जिसका 11th टर्म मुझे गिवन दिया हुआ, कितना दिया हुआ 11th टर्म, 38। एंड 16th टर्म, तो A16 लिख दे रहा हूं, इज 73। ये सवाल इंपॉर्टेंट होता है बच्चों, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे करा जाएगा ये, इसमें बनेंगी दो इक्वेशन। मैं फिर बोल रहा हूं ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। दो टर्म अलग अलग आपको दिए, कॉन्सिक्यूटिव नहीं है ना, तो वो लॉजिक एपी वाला तो लगेगा नहीं इसमें। तो दो अलग अलग टर्म दिए होंगे, दोनों की इक्वेशन बनाओ, सॉल्व करो, ए डी निकालो, फिर ये निकालो, देखो कैसे। ए 11 को क्या लिखते हो, मैं डायरेक्ट बोला है, नमक खा के मत करना काम, नमक खा के। ए प्लस 10 डी बराबर 38, 38। ए 16 को क्या लिखोगे, ए प्लस 15 डी बराबर 73, या इसको पहले लिख लिया करो, चलो कोई बात नहीं है। इक्वेशन वन इक्वेशन टू दोनों को सबट्रैक्ट कर रहा हूं मैं यहीं पर, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पढ़ के आयो फर्स्ट टर्म में, बहुत बढ़िया बिंदास। माइनस 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 कैंसिल हो जाएगा, 10 से 15 जाएगा, माइनस का 5 डी बचेगा, इससे माइनस कराओगे 13 से 8 जाएगा, 5 बचेगा, तो 6 से 3 जाएगा, 3 बचेगा, माइनस का 35 डी बराबर 5 7 35, डी की वैल्यू 7। इसको इक्वेशन वन में पुट कर लो, इक्वेशन टू में पुट कर लो, जो भी आपको अच्छी सुंदर सुशील लग रही है कन्या उसी में पुट कर लो। तो पुट अभी सुंदर सुशील कन्या कोई तो घर में पुट करोगे या ऐसे किसी से कर लोगे, हैं चलो ठीक है, फिलहाल फालतू की बातें छोड़ो, इधर आ जाओ काम पे। पुट इन इक्वेशन वन, वन में पुट कर लो। तो ए की वैल्यू तो पता ही नहीं है, 10 डी, अच्छा डी की वैल्यू आ चुकी है, इंटू 7 बराबर 38। 10 7 70 38 70 जाएगा माइनस में, तो 70 से 38 जाएगा तो कितना बचेगा भैया, तो 30 30 60 और 10 70, तो आई थिंक 32 बचेगा, वो भी माइनस का। सही हो गई ये बात, कैलकुलेशन वगैरह में कहीं इधर उधर हो जाता है, जरा देख लिया करो ठीक ठाक से, माइंड मत करना। तो ए की वैल्यू आ गई -32, डी की वैल्यू आ गई है 7। अब बताओ क्या करें, क्या करें सर, क्या करें, 31वां टर्म निकालें और क्या करें। तो ए 31 को क्या लिखोगे, ए प्लस 30 डी, ए की वैल्यू आई है माइनस का 32 प्लस 30, डी की वैल्यू कितनी थी 7, तो माइनस का 32, 7 3 21, ये हो गया 210, 210 में से 32 हटा दो, तो 0 10 से 2 गया 8 बचा, 10 0 बचा, 10 से 3 गए 7 बचा, 178 आ रहा है, बात खत्म हो गई। इस टाइप के सवाल आएंगे जो अच्छे 3 नंबर में दिए जाते हैं, CBSE में 2 नंबर में आराम से कर पाओगे, आराम से, कोई दिक्कत आएगी नहीं, ठीक है भाई। तो ये हमारे 7वां सवाल बहुत इंपॉर्टेंट था। अब इस टाइप का जो भी क्वेश्चन आएगा स्किप मारूंगा मैं, आपको खुद करना है, दो इक्वेशन बनानी है, जो भी पूछे उसके बाद में निकाल लेना बिंदास, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा जी, 8th क्वेश्चन, एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स विच ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12 एंड द लास्ट टर्म इज, लास्ट टर्म कितना होता है 106वां, लास्ट टर्म 106 दे रखा है, मतलब 50 टर्म है तो 50वां टर्म हो गया वो, 29 टर्म पूछ रहा, सेम है 7th क्वेश्चन, खुद करोगे। 9th क्वेश्चन, थर्ड टर्म 9th टर्म दोनों दे रखे हैं, विच टर्म ऑफ दिस एपी, इसका इस एपी का कौन सा टर्म 0 होगा, पहले ए और डी निकाल लो, ए एन मान लोगे, तो ये भी आप खुद कर रहे हैं सवाल, बड़ा आसान सवाल है यार ये, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब सवाल होगा 10वां सवाल, बहुत ही बढ़िया, द 17th टर्म ऑफ एपी, अब इसमें इक्वेशन बनानी पड़ती है, द 17th टर्म, इसमें भी सिखा दे रहा हूं कैसे होता है ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है भैया। द 17th टर्म ऑफ एन एपी
एक्सीड मतलब बड़ा है, इट्स 10th टर्म। मैं वैसे डायरेक्ट इक्वेशन लिखता बनाता नहीं, लेकिन फिर भी लिख दे रहा हूं, इज 10th टर्म बाई 7। फाइंड द कॉमन डिफरेंस। फाइन, अब देखना मैं क्या जादू करने वाला हूं इसमें, ऐसे डायरेक्ट उड़ा दूंगा। किसी एपी का 17 में टर्म 10 में टर्म से 7 बढ़ा है तो डी की वैल्यू बताओ। सीधे लिखो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, 70वां टर्म 10 में टर्म से 7 बढ़ा है, तो 70 में टर्म से 10 में टर्म माइनस कराओगे 7 आएगा कि नहीं आएगा बिंदास? अरे क्या नमक खा के आयोगे, ये ऐसा करो वैसा करो, ये घंटा यही करते रहोगे। 17 टर्म को क्या लिखते हो, ए प्लस 16 डी। हाँ, इतना जरूर कर सकते हो कि लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ दिस एपी बी ए एंड द कॉमन डिफरेंस बी डी। आपने बताया थोड़ी, मैंने तो ऐसे ले लिया डायरेक्ट, तो आपको बताना पड़ेगा। तो ये लिख दिया करो स्टार्टिंग में, एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन करा रहा हूँ पूरी, लिखना कैसे है। तो लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी बी ए एंड द कॉमन डिफरेंस बी डी, देन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन उड़ा दो। माइनस ए माइनस नहीं प्लस 9d बराबर 7। ए से उड़ गया, 16 से 9 गए, अरे डायरेक्ट लिख दें, हाँ 7d बचा ना बराबर 7। सर इतना आसान होता है वाकई में, पता नहीं था सर ये तो, इतने मजे से करा देते हैं आप तो। ऐसे ही है गेम ही ऐसे ही है। तो इस एपी में, इस एक्सरसाइज में मिला के 20 क्वेश्चन है, तुम भी सो जाओगे और मैं भी सो जाऊंगा, लेक्चर हो जाए बहुत लंबा। 11 में से आपको कल मिलेगा लेक्चर, 10 सवाल आज के कराने थे, करा दिए। और बहुत इंपॉर्टेंट बात भी बताऊंगा आगे जाके कि एंड टर्म फ्रॉम द एंड कैसे निकालते हैं और फर्स्ट नेगेटिव टर्म एपी का कैसे निकालते हैं। तो बने रहिए, स्टे ट्यून्ड विद मी, पढ़ते रहिए, सपने देखते रहिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात है सपने देखते रहिए। अपने छोटे छोटे रूम में बैठ के बड़े बड़े सपने देखिए, MBBS बनने के सपने देखिए, IIT में जाने के सपने देखिए, दुनिया में नाम कमाने के सपने देखिए, माँ बाप के सपनों को सच करने के सपने देखिए, और सबसे इंपॉर्टेंट बात मैथमेटिक्स पढ़ने के लिए फरमान सर के लेक्चर देखिए। तो मिलते हैं इन्हीं मोटिवेशनल बातों के साथ आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद।